Welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolan's, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. What a match that was between Peshawar Zalmi and Islamabad United. Dono hi strong teams aaj aamne saamne thi. Dono ne bada high pressure match khela aur ek achhi, jise kehte na, effort nazar aayi from both ends. लेकिन इन दी एंड इट वॉज पेशावर ज़ल्मी हु आर नाउ थ्रू टू द नेक्स्ट गेम एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अनफॉर्चुनेटली फॉर देम दिस इज़ द एंड ऑफ देयर पीएसएल जर्नी. आज का मैच हार गए, इसका मतलब है जी नॉकआउट हो गए हैं टूर्नामेंट से. और पेशावर ज़ल्मी जो है अभी भी रनिंग में है. कल अब उनका सामना होगा जी लाहौर कलंदर से, और कल के मुकाबले के बाद फिर जो टीम भी जीतेगी वो फाइनल में पहुँचेगी मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट. ये है जी सूरत हाल इस वक्त. लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैच हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, बहुत सारी बातें इस मैच के बारे में भी करनी है. मैच समरी पर नज़र डालते हैं जी. टॉस जीत के शादाब खान ने पहले बैटिंग का फ़ैसला किया और बॉलिंग का फ़ैसला किया, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि हम इस रूट पर जाके देखते हैं कि कैसा नज़र आता है मैच. पेशावर ज़ल्मी बैटेड फर्स्ट, पुट अप 183 ऑन द बोर्ड. बाबर आजम प्लेड अ स्पेक्टेकुलर कैप्टन्स नॉक 64 ऑफ 39 बॉल्स एंड सपोर्टेड बाय मोहम्मद हारिस. 34 रन्स उन्होंने ऐड किए. और बॉलिंग में जी इस्लामाबाद की कोई ऐसा कोई ख़ास स्पेल नहीं था, बस शादाब खान ने जो है एक अच्छा जो है उनको कंट्रीब्यूशन जो बॉलिंग के साथ उनके हम मिस कर रहे थे. वंस अगेन लास्ट मैच में भी उन्होंने 3 विकेट्स लिए, इसमें भी ही वॉज गुड विद द बॉल. लेकिन बैटिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड जो स्टार्ट उन्होंने लिया एंड देन सुहेब मकसूद एंड एलेक्स हेज प्लेड वंडरफुली. हमें लग रहा था कि शायद ये चेज जो है बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा जितनी इनकी डेप्थ है, लेकिन इन द एंड व्हाट अ रिकवरी दैट वाज बाय पेशावर ज़ल्मीज बोलर्स. बाबर आजम यूटिलाइजिंग हिज बोलर्स वेरी रिसोर्सफुली, वेरी स्पेक्टेकुलरली, एंड इन द एंड पेशावर ज़ल्मी वर एबल टू डिफेंड दैट टोटल एंड विन द मैच बाय 12 रन्स. यहाँ पे जी हम दाद देंगे, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे. ज़ल्मी ने जहाँ जहाँ पे स्मार्टनेस दिखाई और कहाँ कहाँ इस्लामाबाद ने थोड़ी जिसे कहते हैं ना गलतियाँ की. मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जी सलीम मलिक साहब, और हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है मोहम्मद आसिफ जी. अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब. यहाँ पे आप बताएं आप कहाँ से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा कुछ है. हम जब मैच देख रहे थे हम बड़ा डिस्कस कर रहे थे, लेकिन आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ थॉट्स. पहले तो स्टार्ट से शुरू करते हैं टॉस के ऊपर जो शादाब ने कहा, और हम भी बात कर रहे थे कि काफ़ी कॉन्फिडेंट वो नज़र आए थे कि आज वो चेस करेंगे डिस्पाइट द डेटा. मैं यूसुफ को मिस कर रहा हूँ. देखिए ये हमेशा एक बात करते हैं इस्लामाबाद वाले कि हम जी डेटा बेस पे काम करते हैं, हम ये करते हैं वो करते. आज फिर क्यों नहीं इन्होंने, इनको नज़र नहीं आया कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वही जीत रही है. पिछले 2-3 मैचों में ये नज़र आ रहा था, तो ये वो कहाँ गया डेटाबेस, कहाँ. वैसे बात सोचने वाली है कि ये और ये और ये कंसिडर किया होगा. नहीं पता नहीं, फिर आप जाके करेंगे मैच के बाद. और प्लस आपको याद होगा जब इन्होंने मैच हारे थे पिछला, इससे पिछला मैच, और हमने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया था कि ये क्रिकेट ऐसी गेम है ये माफ़ नहीं करती. आपने अपनी पूरी टीम नहीं खिला के दो चांस आपको मिलने थे, कहाँ आप नंबर 2 होते और कहाँ आप आज हार के बाहर हो गए हैं. तो आपके मतलब आप कहते हैं हम बड़ा जी हर चीज़ को देखते हैं, इन्होंने क्या देखा था. मेरी समझ से बाहर आया कि इनके लोग जो कहते हैं जी हम बड़ी मीटिंगें करते हैं डेटा बेस है, तो इनको ये नहीं पता था कि अगर हम हारेंगे तो हम तीसरे नंबर पे चले जाएंगे. थोड़ी बहुत मिसकैलकुलेशन तो, हो गई आज ये थोड़ी सी. और बाबर आजम ने भी टॉस के वक्त कहा था कि हम भी अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग ही करनी थी. अब हमें जरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है उस बात का. लेकिन आसिफ
यहाँ पे प्रेडिक्शन बाबर ने यही की थी कि हम कोशिश करेंगे 170-180 लगाएं और उसको डिफेंड करें, और उनकी स्ट्रेटजी जो है वो काम आई, स्पेशली जिस तरह उन्होंने आखिरी 5-6 ओवर्स में अपने बॉलर्स को यूज़ किया। आप मुझे बताएं, आप इम्प्रेस हुए हैं कि नहीं बाबर आजम की कैप्टेंसी से आज? देखिए, कप्तानी तो आधी बाहर से ही हो रही थी ऑलमोस्ट, जैसे डेरन सैमी थोड़ा सा परेशान लग रहा था। ये फुटबॉल में, वैसे फुटबॉल में नहीं जैसे होता, बाहर से मैनेजर बता रहा होता है। जी बिल्कुल, मगर खैर उनके थोड़ा डिफरेंस ये पड़ा कि अभी 200 की तरफ इजीली फर्स्ट बैटिंग करके वो जा सकते थे, जिस तरह से बाबर ने एक स्टेज सेट कर दी थी कि 12-13 की एवरेज बहुत लेके चल रहा था। भी बाबर आउट हुआ तो कैडमोर से वो हिटिंग नहीं हुई जो वो करता रहा पिछले मैचेस में, तो फिर भी 180 का जो टारगेट था इस पिच पे इतना आसान नहीं था। आप देखें कि पेशावर जलमी के दो बॉलर्स ने सिर्फ अच्छी बॉलिंग की आज, और आप इस्लामाबाद की पूरी बैटिंग लाइन स्ट्रगल करती नजर आई, स्ट्रगल क्या बल्कि हार ही गए। और थोड़ा सा डिफरेंस क्या हुआ रिवर्स स्विंग का, जहां से रिवर्स स्विंग स्टार्ट हुई है, देखिए जमाल के ओवर से स्टार्ट हुई, फिर अरशाद ने उसको अच्छी तरह यूटिलाइज किया, और उन्होंने पंजाबी जो कहते हैं जड़ों में बॉलिंग की है, वहां से उठाना बॉल को इजी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी देखे। हेल्स को भी परेशान हो गया, फिर मोनरो परेशान हुआ रिवर्स स्विंग पे, फिर आते ही आजम खान, देखे हल्का सा इतना भी स्विंग जो होता है ना वो डिफरेंस पैदा करता, क्योंकि आपका बॉल मिडल नहीं हो रहा होता, तो जब आप मिडल नहीं हो रहा था तो फिर आप रिसीव होते हो तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो ये दो वो जो रिवर्स स्विंग थी उसका आज बहुत डिफरेंस पड़ा। आज थोड़ा सा एक और आसिफ, अगर आप चीज़ एक नोट करो जो हमेशा आप भी हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते हो कि अपनी लिमिटेशन में रह के बॉलिंग करनी चाहिए ना, विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए। आज देखे दोनों बैट्समैन जो थे सुहेब और मकसूद और एलेक्स हेल, ये दोनों ने थ्रू आउट टूर्नामेंट में, खैर वो तो कम मैचेस खेला, मगर इनसे स्कोर नहीं हो रहा था, मगर आज इन्होंने क्या किया कि आज अगर आप थ्रू आउट द इनिंग देखें, उनकी वीकनेस है कि उनको आप अंदर ले के उनकी तरफ बॉल करें, उनकी बॉडी की तरफ, सब ने उनको शुरू में मार इसलिए पड़ी पेशावर को, जो इनको सीखने वाली चीज़ थी कि जो बैट्समैन को आपको रीड करना आना चाहिए ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्रिकेट में है कि आपको बैट्समैन को रीड करना, अच्छा बॉलर जो है ना हमेशा रीड करके उसको पता होगा कहाँ वीकनेस है। आज वो उसको ऑफ साइड पर बाहर बॉल करते रहे, वो जिसने पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में, मैं कहता हूँ कि वो जो है शुएब मकसूद, क्या नाम है, सुहेब मकसूद, जी सुहेब मकसूद, उससे स्कोर नहीं हो रहा था, उसको ऑफ साइड पे बॉल करके कर के उसके स्ट्रॉन्ग जो उसका था स्ट्रेंथ उस पे बॉल करवा के स्कोर करवाया। एलेक्स हेल जो पूरा थ्रू आउट 9 मैचों में कुछ नहीं किया हुआ था, ये है, चूंकि मैं हमेशा कहता हूँ जब आप जीत जाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं बहुत सारी, मगर क्रेडिट देखें जो दो बॉलर्स को जाता है वो भी इसलिए कि रिवर्स स्विंग शुरू हुई। अगर आज रिवर्स स्विंग शुरू ना होती तो आज मेरे ख्याल दो तीन ओवर पहले मैच खत्म हो जाना था। जी असलीम भाई, रिवर्स स्विंग की वजह से डिफरेंस पड़ा है ना, देखे बैट्समैन रिसीव हुआ, क्रिस हेल जैसे एलेक्स हेल जैसे बिल्कुल सेट खेल रहा था, फिर मुनरो को आके ट्रबल हुई, आजम खान को ट्रबल हुई, हल्के थोड़ा सा स्विंग हुआ उसमें से अर्ली ऑन। आप देखे वाबरेज एज यूजुअल वो एक्सपेंसिव ही रहता है ऑलमोस्ट, तो आज भी एक्सपेंसिव ही हुआ, 2 ओवर में 28 रन थे, और फिर वो जो आखिरी 4 ओवर थे, 4-5 ओवर थे, और वो उसको काउंटिंग जिस तरह से किस बॉलर को किस ओवर्स करवाना है, उसको 17वां 18वां जैसे लास्ट ओवर जमाल का बचाया था, तो ये थोड़ा सा आप देखे आज बेहतर किया बाबर आजम ने ये चीज़ें। मेरा ख्याल है जो सबसे अच्छी चीज़ जो बाबर आजम ने आज की ना, उसको क्रेडिट देना चाहिए कि उसने वहाब से 2 ओवर के बाद बॉलिंग नहीं करवाई, क्योंकि अगर वो वहाब को बॉलिंग करवाता, होता है कई दिन आपके अच्छे नहीं होते, आपसे बॉल नहीं हो रहा होता, मगर वहाब हमेशा से जैसे आप कहते हो एक्सपेंसिव बॉलर है, वो उसने 28 रन खा लिए थे, और वो आखिरी ओवर्स अगर उनको करवाता तो शायद आज सिचुएशन पे तो मैच टर्न हुआ है, बिकॉज ये डिसीजंस आपके इस क्रूशियल जो क्रंच मोमेंट्स होते हैं हाई प्रेशर गेम के उसी में, और यहाँ पे उनकी कप्तानी का एक्सपीरियंस जो है वो काम आया है आज, यू नो वी कुड टेल के वो उस, और इवन अगर आप उनकी कुछ क्लिप्स देखें वो फील्ड पे भी बड़े काम नजर आए आज, वो लोगों को अपने प्लेयर्स को कह रहे थे कि भाई ईजी रहो, यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। तो आई थिंक ये प्लेयर्स के, क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक ही सारा यंग था,
सो विद दैट आई थिंक हिज एक्सपीरियंस रियली आई थिंक ये जो अजमतुल्ला है उमर जई, इसको मेरा ख्याल है इनको सोचना चाहिए कि अगले मैच में ना इनको कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए, इसलिए क्योंकि बहुत यंग है और 125 की स्पीड उसकी स्पीड है जी। और वो मुझे नहीं समझ आती कि वो बाउंसर मार रहा होता है कभी ऑफ स्टंप से बाहर, उसकी देखे जब आपकी पेस ना हो ना तो आपको अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, करने मतलब की कोशिश कर रहे थे वेरिएशंस में एंड इट वाज नॉट वर्किंग। ये चीज करनी चाहिए जिसकी बहुत पेस होती है ना, जो जो आपको विकेट जो हर वक्त विकेट के चक्करों में हो, आपकी एक पेस नहीं है, आप खुद मौका दे रहे हो बजाय कि बैट्समैन आप पे चांस ले, आप खुद चांस दे रहे हो कि मुझे इधर भी शॉट खेल लो। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी उसकी कि 125 वाला पेस वाला बंदा कैसे बाउंसर कर सकता है। ये थोड़ा सा मेरा ख्याल बाबर को सोचना चाहिए निशम के बारे में भी और इसके बारे में भी, ये दोनों जो है टीम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनसे नुकसान ही हो रहा है। अगर आज भी देखें तो उसने दो ओवरों में 19 रन दिए थे। वही हम जो मैच से पहले बात कर रहे थे कि राजापक्षा को आज वो खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, और उन्होंने आज नहीं खिलाया, जो पिछले मैच में उन्होंने 41 किया था, बड़ा अच्छा स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की थी। आज उन्होंने पेशावर ने कहा कि हम निशम के साथ ही जाएंगे। ये मेरे ख्याल में निशम की जगह उसको अगले मैच में ज़रूर ट्राई उसको करना चाहिए, वो बड़ा यूजफुल क्रिकेटर है, वो हमेशा स्कोर करता है, नीचे आके हो जाता है कभी स्कोर ना हो, मगर वो एक ऐसा प्लेयर है जो मैच चेंज करने वाला प्लेयर है। उसको इनको अगले मैच में मेरा ख्याल बाबर आजम पता नहीं अब जीती हुई टीम को चेंज करता है कि नहीं, पर मेरा ख्याल है ये दो ऐसी जगह हैं जहां उसको उस पे चांस लेना चाहिए। चले वील फाइंड आउट। अभी कल उनका मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा फिर एक नॉकआउट मैच बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर ज़ल्मी एंड द विनर ऑफ टुमारोज़ गेम Join Multan Sultans in the final, which is now being played on the 18th of March, Saturday wale din. Yahan pe break lete hain ji, break ke baad yani come back, thoda aur unpack karenge match ko aur mazid baat karenge is pe. Stay with us. Ji, welcome back to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolins. मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com, हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी आज जो पहला नॉकआउट गेम हुआ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में, उसके बारे में, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो पीएसएल जर्नी है यहाँ पे ख़त्म होती है। कैप्टन शादाब खान भी मैच के बाद बात कर रहे थे मलिक साहब के उनका डिसीजन जो था वो टॉस पे बिल्कुल ठीक था, ही वॉज अभी भी वो उस बात पे कायम है और कॉन्फिडेंट है कि ही टुक द राइट डिसीजन। डू यू एग्री विद दैट? देखें जब बंदा हार जाता है ना तो फिर वो अपनी गलती को कोई बहुत अच्छा ही हो जो मानता है, वरना लोग अक्सर आप देखें कभी अपनी गलती को उन्होंने गलती नहीं करते। बस यही मानी है, वो यही कह रहे थे कि भाई हमने हमारे पहले 10 ओवर्स में वो वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं थी जो कि होनी चाहिए थी, और वो आई डोंट नो अब इसका क्या खैर कॉन्टेक्स्ट क्या है और क्या बात वो एग्जैक्टली कर रहे थे। लेकिन आसिफ यहाँ पे वही बात है कि शादाब खान थोड़ा सा ज़रूर इस बारे में सोचेंगे कि जब इस सीज़न कोई भी चेजिंग टीम नहीं जीती इस वेन्यू पे और डेटा आपके सामने ये कह रहा है और फिर भी आप टॉस जीत के जो है ये डिसीजन ले रहे कि हम चेज कर लेंगे इतने हाई प्रेशर मैच में, तो फिर आई थिंक डेटा को परसीव करने का जो उनका तरीका है वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, आई'ड से कंफ्यूजिंग एट दिस पॉइंट। रोहा, डेटा अगर आपने डेटे पे जाना तो आपने एक प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में खिला लिया और उसका रोल ही नहीं पता, वो बॉलर है कि बैट्समैन है, आपकी टीम में एक ऐसा बंदा वो बसर जी, वो आपकी टीम, आई डोंट नो कि उसको किस वजह से रखा हुआ है कि आपके पास इतना डेटा इकट्ठा है, तो उसका डेटा अभी तक कुछ नजर नहीं आया कि वो बैट्समैन है कि बॉलर है। आज भी उससे बॉलिंग भी करवाई है तो एक ओवर करवाया जी, तो वो आपने इतना डेटा और ऊपर से आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस में आए थे कि हम मैच जीत लेंगे, हमारी बैट्समैन बैटिंग लाइन लंबी है, तो इस तरह नहीं होता। वो जिस तरह से कैजुअल अप्रोच से आप मैच नहीं जीते, आपको पता था कि ये मैच नहीं जीते सेमीफाइनल हम लोग टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे, तो जिस तरह से आप देखे अजर महमूद भी ग्राउंड में आए जब जो गैप वक्फा था टीम ब्रेक का, तो उसमें वो उन्होंने आके
काफी चीजें देखे, थोड़ा गुस्से में नजर आया, अग्रेसिव अप्रोच के साथ लड़कों को बता रहे थे, तो उस वक्त भी ये टीम थोड़ी सी पैनिक थी, क्योंकि आप देखे बाबर आजम जिस तरह से शुरू से स्टार्ट लेके चला है, तो वो शुरू से थोड़ा सा ग्राउंड में भी आज पैनिक लगे, फील्डिंग में भी थोड़ा सा जी, तो वो चीजें आज उसके इतना कंट्रोल में नहीं थी जिस तरह से पहले कंट्रोल में थी, आज कोई वो उसके लिए उनको थोड़ा सा हैंडिक लेने डिस्कस की थी मैच से पहले कि जो टीम आज अपने नर्व्स पे काबू रखेगी और एक हाई प्रेशर मैच को कामली डील करेगी, क्योंकि जाहिर है जब बॉल भी स्विंग हो रहा और आप बैटिंग कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपके जो अच्छे अच्छे जो बैटिंग यूनिट्स हैं वो जरा ट्रबल हो जाते हैं। खैर, अगर हम बैटिंग के ऊपर एक नज़र डालें, बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में बात करते हैं, ज़रा एक रीकैप देखते हैं। बाबर आजम ने ज़बरदस्त नॉक आज खेला है जी, एक अच्छा कैप्टन नॉक, 64 रन्स ऑफ 39 जिसमें 10 चौके शामिल थे जी, 164 के स्ट्राइक रेट पे आज उन्होंने बैटिंग की है। मरी साहब, आई थिंक बुखार जो हुआ है उनको उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिफ्लेक्ट किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा इस हेल्थ के साथ भी अगर वो ऐसी बैटिंग कर सकते हैं तो ये तो बहुत कमेंडेबल बात है। मेरा ख्याल है हर मैच से पहले बाबर को बुखार ज़रूर होना चाहिए। नहीं, इसमें देखें, हम हमेशा बाबर की तारीफ़ करते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे हमारा कंसर्न हमेशा रहा कि स्ट्राइक रेट थोड़ा सा स्लो होता है, मगर वो पिछले 2-3 मैचों से अगर आप देखें तो उसने बहुत इम्प्रूव किया है, और वो मतलब अपना जो नॉर्मल स्ट्राइक रेट होता था उससे बहुत तेज़ खेल रहे हैं, और ये हमने मैच से पहले भी अगर आप पहले के सेगमेंट में देखें हमने कहा था कि वो वह प्लेयर है जो इस टीम को में बाकी बहुत तेज़ उनके स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा हैं, और इसको फ़ायदा ये है कि ये टीम को साथ लेके चलता है, ये नहीं करता कि मार के आउट हो जाए, तो ये इसको एडवांटेज था कि हारिस और सैम ये साथ वो ऐसे प्लेयर थे जो अगर थोड़ा स्लो भी हो तो वो उसको कवर कर जाते थे, मगर आज बाबर की खुद की इनिंग अगर आप देखें तो उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली, शुरू से ही उसका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा रहा, तो ये देखें वो है तो बड़ा प्लेयर, उसको तो डिनाई कोई नहीं कर सकता ना, पाकिस्तान में अगर कोई उसको ये कहे कि वो प्लेयर नहीं है तो वो गलत है, थोड़ा सा हमेशा जो हम थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज़ करते थे उसके स्ट्राइक रेट पे करते थे, अदरवाइज पाकिस्तान में उससे बेहतर प्लेयर कौन है, कोई भी नहीं है पाकिस्तान। चले, अभी आज खैर हसीबुल्ला खान को भी उन्होंने प्रमोट किया, हसीबुल्ला खान जो है वो 3 पे आए। आसिफ, आपको ये समझ में आया कि ये क्यों किया गया, क्योंकि हारिस जो कभी ओपन कर रहे होते हैं कभी वन डाउन आ रहे होते हैं, आज हारिस को भी उन्होंने नंबर 4 पे ले आए हैं, तो पहले बैटिंग करते हुए ये चेंजेस करना समझ में आ रहा था आपको? जी देखिए, अगर एक प्लान के साथ जाते थे, अगर दो ओपनर्स अंदर चले गए हैं तो वो एक प्लान होता है प्लान ए और प्लान बी के, अगर अर्ली ऑन विकेट गिरेगी तो ये आ जाएगा, अगर हम लोग 50 का पार्टनरशिप कर जाएंगे तो दूसरे को भेज देना, तो ये प्लान हो सकता है उनका। देखिए बाबर ने जो भी शॉटें खेली है, बाबर को अगर अर्ली ऑन आप बुरा बैट बॉल नहीं देंगे तो वो पनिश नहीं करेगा, वो सिर्फ बैट बॉल को ही पनिश करता है। आपने बाबर से इतनी और उसने ग्राउंड की शॉट सारी खेली है, आप उसको राइट एरिया में बॉलिंग करते रहो, बाबर कभी भी आपको निकल के नहीं मारेगा, आपको इधर की बॉल इधर नहीं खींच के लेके जाएगा, तो जो उनकी बॉलिंग जो लेंथ थी, आपने ऑफ टर्म के बाहर बॉलिंग की है, इस्लामाबाद के बॉलर्स ने रिवर्ट बॉलिंग की है जो कि बाबर ने फिर उनको पनिश किया। बाबर को हमेशा मिडिल एंड ऑफ के गुड लेंथ पे नया बॉल खिलाते जाओगे तो आप उतने ही उसके अगेंस्ट अच्छा ओवर कर सकते हो, मगर इस्लामाबाद के बॉलर्स ने बाबर से खुद ही चौके खाए हैं अर्ली ऑन देखे तो। अच्छा, एक्स्ट्रास भी बड़े कराए हैं आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, 18 एक्स्ट्रास हुए हैं, और वही था कि वो इट कॉस्ट देम द मैच बिकॉज वही डिफरेंस था बिटवीन द टू टीम्स। नहीं, ये अक्सर आप देखें कि इस चीज़ पे ना मैं रौफ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, हालांकि उसकी पेस भी कम उसकी वजह से होती होगी, वो बड़ा पीछे से बॉल करता है, एक दो बॉलर हैं जो वो कोशिश करते हैं कि नो बॉल ना हो, और हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं, मैं हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ कि वो अगर उसको आप उसका देखें ना तो वो बहुत पीछे से बॉल करता है, हालांकि उसकी पेस से बड़ा फ़र्क पड़ता है आप पीछे से बॉल करें, तो ये बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, स्पेशली नो बॉल वाइड बॉल, आप देखो ना जितने आप वाइड बॉल करते हो एक तो स्कोर पड़ता है फिर आपका एक्स्ट्रा बॉल करना पड़ता है। और ये भी हारिस रऊफ ने अब पिछले एक साल के अंदर ये चीज पे काम किया, वरना शुरू में जब वो PSL में आए थे तो वो बड़ा उनको इसका मसला हो रहा था। एक्चुअली वो देखे ना टाइम के साथ आप सीखते हैं हर चीज, जब आप कोई गलतियां करते हैं
तो जो अच्छा प्लेयर होता है ना, वो अपनी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करता है। इस्लामाबाद के बॉलर्स यंग प्लेयर्स तो नहीं है, दे आर एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स। ये देखें, इनको हमेशा हम कहते हैं कि इनके पास ऑलराउंडर हैं, इनके पास कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं। आज इनकी गुड लक ये थी कि दो उन बैट्समैनों ने स्कोर किया था जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट मेरा ख्याल स्कोर नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद अगर आप देखें ये जीत नहीं सके। हालांकि इनको तो आराम से जीतना चाहिए था कि एक ने 57 कर दिया, जिसका थ्रू आउट आप टोटल देखें 9 मैचों में एलेक्स हेल्स का 100 स्कोर नहीं है और आज उसने 57 कर दिया था। सुहेब ने आज 60 कर दिया, जो मेरे ख्याल में वो भी स्ट्रगल कर रहा था, उससे भी कोई शॉट नहीं लगती उसको। अगर आप विकटों में बॉल करें तो वो बड़ी जल्दी वो आउट होके जाने वाला प्लेयर है। आज वही बात है जो हम कर रहे थे कि उनको इतना अच्छा स्टार्ट मिला लेकिन वो उसका कुछ कर नहीं सके। दूसरी तरफ पेशावर जलमी की अगर हम देखें, बाबर आजम तो खैर हमें नज़र आ ही रहे थे एज कैप्टन, वो तो फुल कम्युनिकेशन भी उनकी जारी थी। लेकिन डैरन सैमी के आज हमने बड़े क्लिप्स वो मैच के दौरान बाहर से ही बैठ के इतना बता रहे थे टीम को, उनका रोल ऐसा प्लेयर जो आपकी फ्रेंचाइज के साथ शुरू दिन से है और वो इतना अच्छा इनपुट उनका है, इतना अच्छा जो उनका एक जिसे कहते जिस वेंटेज पॉइंट से वो बता रहे थे आज बॉलर्स को और टीम को ओवरऑल। आसिफ, ये ऐसे मेंटोर का होना भी एक बहुत बड़ी काम की चीज़ हो सकती है इस तरह के क्रंच मैचेस में, क्योंकि डैरन सैमी ने खुद पेशावर जलमी को बहुत बार लीड किया हुआ है ऐसे नॉकआउट गेम्स में, तो उनका तो एक्सपीरियंस बड़ा काम आया होगा आज उन्हें। जी ऑफकोर्स, आज देखें दोनों टीमों के जो कोचेस है दोनों थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच से आ रहे थे। अगर दूसरी तरफ भी देखें तो अजहर भाई भी थोड़ा सा 2-3 दफा समझाते नजर आए, मगर डैरन सभी लास्ट गेम में भी थोड़ा सा ज्यादा ही हेडिक ले रहा था आज भी, क्योंकि लेनी तो चाहिए था, ये ऐसा गेम था कि आप इसके बाद तो आप घर को ही जाएंगे, तो उसने हेडिक ली है जिस तरह से। और थ्रू आउट पूरी सेकेंड इनिंग में देखे 15वें-16वें ओवर तक इस्लामाबाद मैच जीत रहा था। अगर डिफरेंस डला तो लास्ट 4 ओवर्स के जो सलमान अरशाद ने जो ओवर किया है, एक आध आउट किया उसमें और उसने 5-6 रन का ओवर किया, उससे वहां से डिफरेंस स्टार्ट हो गया था। तो वहां से जो इस्लामाबाद के बैट्समैन के तीन मेन बैट्समैन थे उनके, मनरो, आजिम खान और शादाब, तो वहां से इन्होंने उस चीज को कंट्रोल नहीं किया। हालांकि 9-10 की एवरेज चाहिए थी, तो थोड़ा सा कंट्रोल ला करके खेलते, विकेट न गिराते ना, हल्का सा एक आध ओवर रुक जाते तो मे बी वो सिचुएशन चेंज होती। मेरा ख्याल है आसिफ, ये मुझे लग रहा है कि आइंदा कुछ सालों में जैसे फुटबॉल में मैनेजर का रोल होता है ना, मुझे लग रहा है कि ये क्रिकेट में भी ऐसे ही हो जाएगा कि कोच जो है वो बाहर बैठ के टीम को बताया करेगा, फील्ड इधर कर दो, तुम उधर खड़े हो जाओ, तुमने ये शॉट खेलनी है। मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हो जाएगा आज 2-3 मैचों के बाद, मुझे लगा ऐसे। पिछले मैच में भी डैरन सैमी ऐसे बाउंड्री पे ही खड़ा था ऐसे, बंदा अब थोड़ा सा ज्यादा ही नजर आया, इतना भी नहीं होता बंदा अब तो जो भी 12th मैन होता है उसको पानी दे के भेज देता कि कैप्टन को ये कह के आए कि ये हमने इस अप्रोच से इस वक्त इस बॉलर को लगाना है, तो आज कुछ ज्यादा ही नजर आया सुनील भाई। मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम के कैप्टन को इस तरह की समझाना थोड़ा सा अजीब ही मुझे लग रहा था, जो पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है, तो ये मेरे ख्याल ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा कि कोई कोच बाहर से इंस्ट्रक्शनें दे रहा है, और अजीब ही लग रहा था मुझे। चलिए खैर, आज उनकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी लगता है काम, कैप्टन खुद भी जो थे वो उनके डिसीजन सारे जो थे वो ही वाज चेकिंग ऑल द बॉक्सेस देयर इन दैट ऑल इम्पोर्टेंट गेम। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद विल कम बैक, डिस्कशन को जारी रखेंगे। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स पीएसएल क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला पावर्ड बाय डॉलिंस मेन स्पॉन्सर्स टिकटॉक एंड ब्रॉट टू यू बाय सोल सिटी एंड zameen.com। हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी पहले नॉकआउट गेम के बारे में, इस्लामाबाद यूनाइटेड हैव बीन नॉक्ड आउट ऑफ पीएसएल दिस सीजन, और उनका पीएसएल का जो ख्वाब था टाइटल का एक बार फिर जीतने का, वो आज पेशावर जलमी के बॉलर्स ने जो है वो चकनाचूर कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से वो जा रहे थे पहले 10-12 ओवर्स भी थॉट कि रियली यू नो दिस मैच कुड टर्न ईदर वे, लेकिन देन जलमी के बॉलर्स ने बहुत अच्छा कमबैक किया, अच्छी रिकवरी की एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड वर क्लियरली आउट प्लेड बाय द बॉलर्स ऑफ पेशावर जलमी।
और एक अच्छा हेल्पिंग हैंड उनको मिला जी बाबर आजम और डैरन सैमी के सूरत में, जिस तरह उन्होंने गाइड किया बॉलर्स को और कंडीशंस भी आज बहुत ही फेवरेबल थी। आई थिंक पिंडी के मैचेस के बाद जो दो तीन नाइटमेयर्स पेशावर जलमी के बॉलर्स को मिले थे उस विकेट पे, आज जो है वो थोड़ा सा उनको रिलैक्स हुए होंगे और एक अच्छी कॉम्पेंसेशन उनको मिली आज के मैच के बाद, एंड यू नो समथिंग फॉर द बॉलर्स टू रिमेंबर एंड टू रिजॉइस। अभी हम बात कर रहे थे सिलेक्शन के ऊपर, टीम सिलेक्शन कुछ अभी भी ग्रे एरियाज हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे आज जो 11 खेली है। आसिफ आप बात कर रहे थे कि मुबस्सिर खान का रोल आपको समझ में नहीं आया अभी तक, वो 7 मैचेस जो खेले हैं इस्लामाबाद के लिए इस सीज़न, ना उन्होंने बैटिंग में कंट्रीब्यूशन की ना उनको बॉलिंग में उन्होंने कोई ख़ास स्पेल कराया, तो क्यों बार बार उनको मौका दिया जा रहा था, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे शादाब खान? जी वही जैसे कि आप लोग भी कह रहे हैं कि वो डेटा बेसिस पे चलते हैं, तो उनको ये डेटा मेरा ख्याल भूल गया हुआ था कि आप एक बंदे को साथ कैरी कर रहे हो, आप तो 10 बंदों से क्रिकेट खेल रहे हो, फिर आप ग्राउंड में ही 10 बंदों से जा रहे हैं। अगर आपने उसको खिलाया, आज देखिए आज उसको खिलाया था, एक ओवर करवाया, उसको 7 रन दिए और आपके शादाब ने 40 रन दे दिए 4 ओवर में, तो उसको बॉलिंग करवा लेते, उसको पता चलता शायद और अच्छी कर जाता, उसका रोल डिफाइंड नजर नहीं आ रहा है कि उसका रोल क्या है, बैट्समैन खिला रहे हैं उसको, उसको बॉलर खिला रहे हैं, तो आप एक बंदे को एक्स्ट्रा ही खिलाया जाता है, उसकी जगह कोई और अच्छा प्लेयर आप डाल सकते थे, ये ऑप्शन थी उनके पास। टीम शीट में तो उनको एज एन ऑलराउंडर डाला हुआ था, दैट्स व्हाट द टीम शीट सेड। तो सो फार देखिए आप 7 मैचेस में उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस, एक छोटी सी भी परफॉर्मेंस नजर आई हो कि चलो बॉलिंग में है या बैटिंग में है, तो वो बिल्कुल छोटी सी परफॉर्मेंस भी नहीं नजर आई। आप 7 मैच खेल चुके हो आप पीएसएल के, वही बात है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का इतना ज्यादा जोर है ऑलराउंडर्स के ऊपर कि ना स्पेशलिस्ट बॉलर उनके पास कोई अच्छे हैं, ना हसन अली हैं, ऑफकोर्स उनको हम नहीं कह सकते, बट उसके अलावा बैटिंग में जिस तरह यूसुफ भाई भी अक्सर कहते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट बैटर और स्पेशलिस्ट बॉलर की जगह उन्होंने ऑलराउंडर्स के ऊपर ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, और कभी कभी वो चल जाता है, कभी कभी वो नहीं चलता, और आज यही हुआ उनके साथ। मेरा ख्याल है वो मेरे ख्याल उसको बताता है कि ये बॉलर अच्छा है, ये बैट्समैन अच्छा है, या फील्ड ले लो, या जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं मेरे ख्याल वो छुप जाता है कहीं, इनको नज़र नहीं आ रहा। बात ये है कि आप देखो ना, हर मैच में कहते हो डेटाबेस हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं, ये हमारे ना पाकिस्तान टीम में, मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेले हैं जी, तो 20 साल में हमारे यहाँ भी एक ऐसा प्लेयर था जिसको पाकिस्तान टीम के साथ कोई 50 टूर करवा दिए थे, तो उसको खिलाए सिर्फ 4 मैच गए थे, और जब वो 4 मैच खेला, स्लिम भाई नाम तो ले दे फिर उसका जिसको 50, जाकिर खान मैं हमेशा उसका नाम लिया, मैं कोई डरता नहीं हूँ, मैं हमेशा उसका नाम लिया, उसको सिर्फ 4 मैच खिलाए गए थे, उसको सिर्फ टूर करवाया जाता था। तो बात यह है कि मुबस्सिर भी मुझे लग रहा है शायद तो उसी कैटेगरी में बेचारा आ रहा है, मैं उसको मैंने देखा नहीं ना उसको, चूँकि प्रॉपर उसको खिलाया जाए तो पता चलेगा, वैसे बैटिंग में तो उसने कुछ नहीं किया, आज भी एक ओवर किया था 7 रन दिए, तो ये बेचारा कहीं उसी कैटेगरी का ना हो कि जिसको 7 कैरी करना है जो भी हो जाए। चले इस्लामाबाद यूनाइटेड विल श्योरली हैव अ लॉट टू थिंक ऑन, टू रिफ्लेक्ट ऑन, बड़ी गलतियां उनसे हुई हैं इस सीज़न और आज के मैच में खास तौर पे, बल्कि पिछले जो 2 मैचेस वो खेले हैं, जो मिस्टेक्स उनसे हुई हैं डिसीजन मेकिंग में स्ट्रैटेजी वाइज, वो ज़्यादा उनको सोचने के ऊपर वो मजबूर होंगे, और उनकी पीएसएल की जर्नी जो आज ख़त्म हो गई है उसके बारे में भी नाउ दे विल हैव सम टाइम टू रिफ्लेक्ट। मूविंग ऑन फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड, अब कल के मैच के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, एक ऑल इम्पॉर्टेंट मैच है क्योंकि कल जो है हमारे सामने आ जाएगी दूसरी टीम जो कि ज्वाइन करेगी जी मुल्तान सुल्तान्स को इन द फाइनल ऑन सैटरडे। तो कल जी एलिमिनेटर नंबर 2 बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड पेशावर जलमी, ये दोनों टीम्स आमने सामने होंगी। जलमी को अच्छा मलिक साहब कॉन्फिडेंस मिला है आज उनके बॉलर्स को, और कल भी अगर यही कंडीशंस रहीं तो खैर लाहौर तो बहुत ही स्पेक्टैकुलर बॉलिंग यूनिट है, तो मुश्किल तो होनी है पेशावर को कल। देखिए जिस तरह लाहौर की परफॉर्मेंस जा रही है, हम लाहौरी हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं क्योंकि करते रहेंगे क्योंकि हम लाहौर से हैं, हम सब उसको करते हैं, मगर अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें पिछले 2 मैचेस में, मैंने आपको कहा था कि क्रिकेट बड़ी बुरी चीज़ है, जब आप मैच जीतने की फुल ट्राई नहीं करते ना, हाफ हार्टेड जाते हो, तो फिर क्रिकेट आपको रुला देती है।
इन्होंने जो इससे पिछला मैच कराची के खिलाफ खेला, मजाक में मैच खेला, अगला मैच देखें आप, उसमें तो 110 करके थे, इसमें 70 पे आउट हुए। जितनी मर्जी आपकी बड़ी बॉलिंग थी मगर आप मैच नहीं जीत सके, 160 आपसे चेज नहीं हुआ था। तो बात यह है कि ये आप अल्लाह करे कि लाहौर कल अच्छा परफॉर्म करे, मगर उनको हम हमेशा कहते हैं उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है, ऐसी बॉलिंग थ्रू आउट किसी टीम की नहीं है, पूरे चारों के चारों जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर हैं, राशिद भी जो अपना नंबर वन है दुनिया में, मगर बॉलिंग जब ही कुछ करेगी जब बैट्समैन कुछ करेंगे, बैट्समैन उनका सिर्फ एक है फ़खर, वो जिस मैच में आप हमेशा कहती हैं शफीक भी है, लेकिन वही बात है कि जब नहीं तक फखर स्कोर नहीं करेगा, आप हमेशा कहती हैं कि जब उसने 50 किया है तो लाहौर कलंदर जीता है, पिछले 2-3 मैचों से वो स्ट्रगल कर रहा है, और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो फिर चांस ही है कि वो स्कोर करेगा तो ये लाहौर कलंदर कुछ करेगी, अदरवाइज़ देखे जो लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस जा रही है और जलमी जैसे आया एकदम पीछे से अच्छा परफॉर्म करते हुए और उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है, तो अगर वो अच्छा स्कोर कर गए तो लाहौर कलंदर मुश्किल होएगी, मुश्किल तो होगी। आसिफ, लाहौर कलंदर्स की अगर हम बैटिंग देखें उनके टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान के आगे कोई एक्सपीरियंस बैटर भी नहीं है, कोई ऐसा फिनिशर भी नहीं है जिसके ऊपर वो रिलाई कर सके, क्योंकि जाहिर है सैम बिलिंग्स जो हैं वो भी कभी कभी जो है चलते हैं, उनका उनके ऊपर जो है आप पूरी इनिंग्स एक रिलाई नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर लाहौर कलंदर्स को काफ़ी मसला होने वाला है, क्योंकि पेशावर जलमी जो है अगर उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया कोई तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुर्शद भी कुछ नहीं कर रहे, मुर्शद भी कुछ नहीं कर रहे। इस सीजन देखें जैसे मुबस्सर की हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद में रखा हुआ है, ऐसे हुसैन तल्लत को भी लाहौर में ऐसे ही रखा हुआ है इस पूरे सीजन में थ्रू आउट, ना वो बैट बॉलिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर कर पाया ना बैटिंग में, तो लाहौर कलंदर का जो मिडिल ऑर्डर टीम है, मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप है, वो बहुत एक्सपोज भी हो गई है लास्ट टाइम भी, और वो ऑड नहीं है, जैसे आप ऑल राउंडर को ज्यादा ऑल राउंडर फिटिंग की हो, उनको प्रॉपर बैटिंग लाइन, प्रॉपर बैट्समैन, 5 पक्के बैट्समैन होने चाहिए, चाहे वो T20 क्रिकेट है, चाहे वो वन डे, चाहे टेस्ट क्रिकेट, तो आपके आप ऑल राउंडर के साथ इतनी लंबी क्रिकेट जीत नहीं सकते, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग में देनी पड़ेगी, आप चेंजिंग ऐसी करें ताकि आपके बैटिंग आपके वहां से, अगर फखर जमान कुछ नहीं करता, अगर वो करता है तो वो वन साइडेड कर देता है मैच को, अगर नहीं कुछ करता तो वो फिर अगली टीम वन साइडेड कर देती है, तो ये फखर जमान पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, आपको तीसरे चौथे नंबर पे प्रॉपर बैट्समैन भेजने पड़ेंगे कल। और ये तलत ने 2-3 मैचों में बड़े आसान कैचेस भी छोड़े हैं, जो तो उनके पास भी एक मुबस्सर आया ना यूसुफ भाई, ये एक, नहीं, एक तरफ मुबस्सर, खैर आप कंपेयर तो नहीं, क्योंकि मुबस्सर खान तो अभी इमर्जिंग प्लेयर है, लेकिन हुसैन तलत तो खेले हुए हैं, वो काफी सीजन खेले हुए हैं, ही इज ऑफ कोर्स a known name in the circuit, तो ये इस तरह की I think अब लाहौर कलंदर्स को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि उनका मिडल ऑर्डर जो है वो कम्प्लीटली एक्सपोज हो रहा है पिछले 2-3 मैचेस से, सो दे विल बी रिलाइंग ऑन हुसैन तलत एंड ऑफकोर्स अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन प्लेयर उनके पास मैच विनिंग जो बैटिंग में है वो सिर्फ एक है, वो है फखर जमान, और उसी के ऊपर रिलाई कर रहे होंगे शाहीन कल के मैच में, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स हम राशिद खान को भूल रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा नीचे से आके एक छोटे कम बॉल्स खेलते हैं, बट वो इम्पैक्ट राशिद को आप एज बैट्समैन कंसीडर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए देखें उसका रोल है बॉलिंग, जैसे शाहीन ऊपर आके 5-4 वो तो अब अगर आप मैं एक बॉलर आके धोनी बनने की कोशिश करेगा तो वो तो नहीं होगा ना, यहाँ तो आप उस लेवल पे जाए ना, आप 8-10 मैचों में स्कोर करें फिर समझ आती है कि आप ऊपर आ रहे हैं, आप ने ना भी वो बैटिंग में अभी इतनी आपकी है कोई वर्थ कोई नहीं है जी, और आप अगर ऊपर आएंगे दूसरे बैट्समैन के तो वो फिर आप स्ट्रगल ही करेंगे, तो देखें तल्लत की जहाँ तक बात है ना, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, शुरू में इन्होंने बैटिंग में स्ट्रगल की थी, इन्होंने अब्दुल्ला को डाला, उसने अच्छा स्कोर किया, अनफॉर्चुनेटली वो स्कोर नहीं कर रहा मगर प्लेयर अच्छा है जी, मगर इसी तरह अगर तल्लत स्कोर नहीं कर रहा तो ये कोई लिखा तो नहीं हुआ लोहे कलम पे उधर के जी, बस हमने अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना, अगर आपका एक प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, चलें आपकी नज़र में अच्छा होगा, आपको होना भी चाहिए कॉन्फिडेंस, मगर अगर स्कोर नहीं कर रहा तो आप चेंज करें उसकी जगह, बेंच में अगर कोई बैठा हुआ है
आप देखें कोयटा ने खिलाया नए लड़के स्कोर किए जब जिस जिसको खिलाया। चले कल एक लिटरली आखिरी है लाहौर कलंदर्स के पास टू फिगर आउट के जो बैटिंग में कमी पेशी आ रही है वो जो है उसको पूरा किया जाए, और कल के मैच में याद रहे कि जो भी टीम जीतेगी वो पहुंचेगी जी फाइनल में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। सो वॉच आउट फॉर टुमारोज नॉकआउट गेम बिटवीन दीज वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स पेशावर जलमी एंड लाहौर कलंदर्स। यहाँ पे शो का जो टाइम है वो खत्म हो रहा है, हम आपसे मिलेंगे कल 6 बजे टू टॉक अबाउट द नॉकआउट गेम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।